बिग बॉस के सेट से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बिग बॉस के घर के अंदर एंटर होने वाले हैं पांच बड़े वाइल्ड कार्ड। कौन है ये पांच बड़े वाइल्ड कार्ड और किन किन का नाम सामने आ रहा है, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि काफ़ी समय से बिग बॉस के घर के अंदर वाइल्ड कार्ड के एंटर होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं पांच वो नाम जो इस हफ्ते वाइल्ड कार्ड बनकर घर के अंदर एंटर हो जाएंगे। इन नामों में सबसे पहला नाम है उस कॉन्टेस्टेंट का जो पहले ही हफ्ते घर से अलविदा कहकर बाहर आ गया था। आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं सृजिता की। खबर है कि सृजिता इस हफ्ते बिग बॉस के घर में बतौर वाइल्ड कार्ड एंटर हो जाएंगी। हालांकि जब वो घर से बाहर आई थी उसी दौरान इस बात के चर्चे थे कि वो घर के अंदर फिर से वाइल्ड कार्ड बनकर जाने वाली हैं। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने किसी तरह का कॉन्फर्मेशन तो नहीं दिया, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार दावे किए जा रहे हैं उनके अनुसार जो है सृजिता इस हफ्ते बिग बॉस के घर के अंदर वाइल्ड कार्ड बनकर जा सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि वो टीना दत्ता की क्लास तो लगाएंगी ही, टीना और शालीन के फेक रिश्ते का भी पर्दाफाश हो जाएगा। दूसरा बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है गौतम विक का। जी हाँ, आपने सही सुना, गौतम भी घर के अंदर री एंटर हो सकते हैं। और गौतम अगर घर के अंदर गए तो सौंदर्या और गौतम के बीच की इक्वेशन एक बार फिर से दर्शकों को देखने में मजा आएगा। वहीं सौंदर्या और शालीन का जो कनेक्शन अर्चना बनाना चाहती थी उसको लेकर भी गौतम पूरी पोल खोल सकते हैं। वहीं गौतम अब बाहर से पूरा शो देखकर जा रहे हैं तो टीना और शालीन के फेक रिश्ते पर भी वो पूरा का पूरा अगर कहे तो गेम को पलट कर रख सकते हैं। तीसरा बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है विपुल रॉय का। जी हाँ, FIR जिसमें उन्होंने कविता कौशिक के साथ काम किया था, तो विपुल रॉय का नाम भी सामने आया है और ये माना जा रहा है कि विपुल भी बिग बॉस के घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि विपुल को पिछले कई सालों से मेकर्स शो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो हर बार शो करने से मना कर देते हैं। लेकिन अब खबर है कि विपुल इस साल वाइल्ड कार्ड बनकर बिग बॉस के घर के अंदर जाने वाले हैं। चौथा बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है विकास मनकताला का। जी हाँ, विकास मनकताला ने कलर्स के कई सीरियल किए हैं जिसमें झांसी की रानी, लाल इश्क, नमा, ये है आशिकी जैसे सीरियल का नाम सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि खबर ये है कि विकास जो है वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं प्रियंका और अंकित के, तो हो सकता है कि उनके घर के अंदर एंटर होने के बाद प्रियंका और अंकित को गेम में बहुत फ़ायदा हो। अब हम आपको बताते हैं आखिरी नाम जो है रोहन गंडोत्रा का। रोहन गंडोत्रा जिन्होंने दिल से दिल तक सीरियल में काम किया है वो बतौर वाइल्ड कार्ड बनकर बिग बॉस के घर में एंटर होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि दिल से दिल तक के इस एक्टर ने सिद्धार्थ शुक्ला को रिप्लेस किया था। आपको याद होगा दिल से दिल तक में रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला थे, तो अब इनका नाम भी जो है सामने आ रहा है। तो रोहन गंडोत्रा जो है पांचवें वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर जा सकते हैं। तो आप लोगों को कितना बेसब्री से इंतज़ार है इसका आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।